सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं उदित राणा यानी आपका मिस्टर गो, मिशन आत्मा शांति भ्रमण ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड को लेकर गुजरात पहुंच चुका हूं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस, रात को मैं दिखा नहीं पाया था आपको लेक ना, तो अभी सुबह हो गई है तो थोड़ा दिखाता व्यू। तो ये इस तरीके का लेक है पूरा ना, और चारों तरफ होटल ही होटल चारों तरफ, और हम मेरे पीछे भी लेक है तो देख सकते हो आप। मतलब ये इतना प्यारा व्यू लग रहा था रात को भी, और अभी भी इतना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद हम निकलते हैं द्वारका के लिए। 11 बजे की बस है, तो उसी बस में बैठ के हम निकलेंगे। तो ये देखो, ये है उदयपुर का फेमस लेक, ये है राजस्थान में उदयपुर में। तो ये आई थिंक मिडल ऑफ द उदयपुर ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तब तक बाकी, तो दोस्तों थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है, तो नाश्ता वगैरह तो हमने रास्ते में कर लिया था। तो यहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना, मतलब एक स्टॉल लगता है जो निर्मल भाई लेके गए थे, वहाँ पर वड़ा पाव मिलता था। तो मैं तो कम मिर्ची खाता हूँ, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मिर्ची खाते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। मेरी आंखों से आंसू आ गया था, इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन काफ़ी मतलब बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, और छाछ भी पिलाया निर्मल भाई ने। और अभी हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं, सुबह की हमारी पहली चाय। तो सारा क्रेडिट जाता हमारे निर्मल भाई को, जो हमारी मतलब रिसेंटली और इतने अच्छी तरीके से मतलब हम कनेक्ट कर पाए। तो बाकी मानो तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर बच्चे ने क्या कहते हैं ये से? काफल ना हमारे में, शायद काफल है। तो ये बच्चे आ रहे हैं बेचने के लिए, क्या है बोर, इसे क्या कहते हैं? बोर कहते हैं राजस्थान में, इसे बोर कहते हैं, हिंदी में बेर बोलते हैं, बेर बेर ना। तो यहाँ पर देखो इतने पुराने पुराने घर वगैरह पत्थरों से बना हुआ है, पूरा पत्थरों से, पूरा पत्थर का बना हुआ दोस्तों। तो जो हमारे निर्मल भाई है, वो हमें प्रॉपर राजस्थान के अंदर के गाँव से होते हुए लेके जा रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों ने। यहाँ पर अभी निर्मल भाई ने दिखाया, ये जो बना हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ, पत्थर और सिर्फ चूने से बना हुआ है, ये बहुत ही सख्त है यार, ये सिर्फ पत्थर और चूने से बना हुआ है ये। और ऐसे काफी सारे घर वगैरह है पीछे ना, तो मतलब थोड़े बिल्डिंग वगैरह सीमेंटेड तो है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर हमें देखने को मिला पत्थर और चूने का, मतलब और इतने लेवल से लगा रखा ना, ये देखो पूरा मतलब सीमेंट एक भी यूज नहीं है इसमें। मतलब यहाँ पर थोड़े पहाड़ वगैरह भी है, वो भी दिखाता आपको ना। तो अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, दिस इज राजस्थान, यहाँ पर भी पहाड़ वगैरह है। ये राजस्थान की अंदर की विलेज, विलेजेस मतलब बहुत ही प्यारा, मजा आ गया। तो यहाँ पर जिधर निर्मल भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर हम विलेज देखते देखते हम आगे जा रहे हैं श्रीनाथ जी के टेंपल में, तब तक बने रहो। फाइनली गाइस, हम यहाँ पर श्रीनाथ जी के हम के नीचे पहुँचे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्मल भाई हमें कुछ बता रहे, तो थोड़ा बताएंगे कि मतलब उनको श्रृंगार में क्या क्या लगता है। निर्मल भाई बताना, ये उनका मुकुट है जो उनके सर पे लगता है, ये उनके कान के सेट, ये गले का हार नेकलेस, उनकी बांसुरी, उनका कैफे, तो
मोर पंख मतलब ये सारे मतलब उनके श्रृंगार में लगते हैं ना। तो गाइस जैसे जो हमने दिखाया ये सब श्रीनाथ जी के श्रृंगार में लगते हैं। तो अभी हम मार्केट घूम रहे तब तक स्टे ट्यून। तो ये दुकान भैया का है। तो यहाँ पर जैसे हम घूम रहे थे तो भैया का दुकान मिला तो हमने ये सारी चीजें देखी तो काफी अच्छा लगा। काफी मतलब बेटर प्लेस, शांति। मतलब यहाँ पर भैया लोग बता रहे थे कि अगर हम लोग दुकान छोड़ के भी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब तक बने रहो, अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे। अभी 12 बजे के मतलब 11:15 के बाद बुकिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ से दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों यहाँ निर्मल भाई हमें थोड़ा सा अंदर लेके आए। तो यहाँ पर मतलब श्री कृष्ण जी की इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग मतलब जो 3D में बनी हुई है वो बन रहा है मतलब हाथों से ना। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है, पूरा 3D में बना हुआ है। तो इतना प्यारा लग रहा है यहाँ आकर ना, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें हाथ से जड़ा हुआ है। आई थिंक ये सारी चीजें हाथ से जड़ी हुई है, हाथ से जड़ी। तो दोस्तों हम लोगों ने श्रीनाथ जी के दर्शन तो कर लिए। फोन वगैरह मतलब कुछ भी अलाउ नहीं था, मतलब एयरफोन तक ले जाना अलाउ नहीं था अंदर। तो हमने यहाँ निर्मल भाई के भैया के दुकान पे पूरा सामान रख के हम अंदर गए थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कम से कम 1.5 घंटे का समय लगा लाइन में खड़े होने में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब जो यहाँ रुकने का जो डिसीजन था वो सही था, है ना। तो बाकी अब निकलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो दोस्तों हम लंच के लिए रुके हुए हैं, उसके बाद हम जाएंगे बस देखने के लिए। तो यहाँ पर है इसी हाईवे पे, तो निर्मल भाई लेके आए जम्मू हिमाचल लावा। तो यहीं पर हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद सीधे निकलेंगे अहमदाबाद की ओर। तब तक बने रहो। चलिए गाइस हमारी बस आ चुकी है। तो निर्मल भाई को बहुत बहुत थैंक्स, हम निकलने वाले हैं। तो हमारी बस आ चुकी है, हम जा रहे हैं। तो बाकी हम अहमदाबाद जाके मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गुजरात अहमदाबाद पे। तो अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। तो एक अलग ही भाई मिल रहा है क्योंकि हम द्वारका की तरफ जा रहे हैं अब हम। तो अभी SC ST बस स्टैंड है, तो यहाँ पर पूछा तो थोड़ा सा और चल लेंगे, क्या दिक्कत है। बाकी आप बने रहो हमारे मिस्टर ग्लो यानी मैं मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह के 3 बजने वाले हैं। तो अभी हम हैं गुजरात के गीता मंदिर के बस स्टैंड में। तो अभी 4 बजे शायद जाएगी द्वारका। तो तब तक कोई नींद नहीं है, आई थिंक 2 दिन से ढंग से सोए भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्साइटेड है द्वारका तक पहुंचने के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या होगा, यहीं पर स्टे कर रखे हैं, मतलब बैठ रखे हैं, थोड़ा यूकेलेली बजा रहे हैं। बाकी तब तक टाइम पास हो रहा है। अभी देखते हैं बस बुकिंग वगैरह करना है, फिर बस बुक करके निकलते हैं द्वारका की तरफ। रात को हमने गुजरात के गीता मंदिर के बस स्टैंड में बिता ली है। अब 5 बज गए हैं, तो 6 बजे का बस है, तो अब वहीं जा रहे हैं। तो देख सकते हो न्यू एक्सपीरियंस नए बस स्टैंड में। बाकी बने रहो। तो फाइनली गाइस हम द्वारका पहुंच चुके हैं। कम से कम 25 घंटे का रास्ता हमने पूरा तय किया है। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला। तो फिर उसके बाद थोड़ा खाना खुना खाते हैं, तो उसके बाद रेस्ट करना है यार। मैं सो जाऊंगा, मैं फोन वगैरह कुछ भी नहीं देखना आज, मुझे सोना है बस। बाकी तो दोस्तों जैसे हम द्वारका पहुंचे हैं, तो उसके बाद भाई साहब हमें हर जगह मीठा खाना मिला, हर जगह मीठा। तो हमने खाना बनाने का मतलब गैस वगैरह सब कुछ अपने साथ लिया था, तो रास्ते में अगर ऐसा कुछ दिक्कत हुई तो खुद ही बना लेंगे करके ना। तो पहली बार हम खुद ही खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर
हमारा पहला ये चाकू तो था नहीं हमारे पास, तो हम लोगों ने ये जो ये खुकुरी है तो ये लिया था, रास्ते में कहीं अगर टेंट वगैरह भी लगाना हो तो ये खुकुरी काम आएगा, तो इसी से अभी हमारा मतलब टमाटर प्याज वगैरह कटेगा। तो ये मतलब हमारा ट्रेडिशनल वेपन है, तो ये ट्रेडिशनल वेपन है खुकुरी हमारा। तो ये मैंने जब देहरादून था तो देहरादून में लिया था, तो अब इसी से ही टमाटर और प्याज कटेगा। तो हम और कुछ तो बना नहीं रहे, तो खिचड़ी बना रहे, तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खा के हमें और भी काम करना है। तो तब तक स्टे ट्यून, ले ये बनाएगा, हम बनाएंगे अबे, ये इसको काटेंगे हाँ। उसके बाद बनाएंगे, खाएंगे और आराम से गुड नाइट। इसका गुड नाइट हो जाएगा, लेकिन मेरा बहुत काम है क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करना पड़ता है, क्योंकि अभी भाई सीख ही रहा है तो डबल प्रेशर है, तो अभी और प्रेशर बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, आपको पता चलेगा वो प्रेशर क्या आएगा क्या, तब तक बने रहो। तो ये हमारा बन रहा है खिचड़ी, तो दोस्तों ये हमारा बन रहा है खिचड़ी, मैंने बना दिया है, अब कल से ये बनाएगा क्योंकि खाना, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करना है, 10 चीज़ें सबसे ज़्यादा थिंकर भी मैं ही हूँ, काम भी मैं ही कर रहा हूँ, ये बस फोन में बैठ के बात कर रहा दोस्त, और कुछ काम नहीं है इसका, गिटार बजा रहा है और कुछ सर। तो कल से पूरा का पूरा काम यही करेगा, मतलब खाना बनाने से लेकर ना, अभी ये सिखा रहा है तो अभी मैं सीखेगा, बाकी फिर मिलेंगे। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है हमारी द्वारका की पहली सुबह, तो होप आप लोगों ने भी वीडियो एंजॉय किया होगा। रात को तो हम लोग काफ़ी लेट सोए थे क्योंकि खाना वगैरह बन भी रहा था, उसके बाद थोड़ा दोनों भाई ने बात किया कि किस तरीके से आगे का सफ़र कंटिन्यू करना है करके। बाकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा, बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे एक और मोटिवेशन मिले आगे के टूर के लिए, और हो सके तो शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में द्वारका के, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।